पाकिस्तान के पेशावर पर होने वाले हमले की कुछ जानकारी हिंदुस्तान की सीक्रेट एजेंसी रॉ तक पहुंच चुकी थी। ये हमला पाकिस्तान की फौज का गुरूर तोड़ देगा। कई बार बोला है फोन पर ये सब बातें नहीं। यहाँ अफगान जमीन पर कैसा डर। पाकिस्तानियों के अलावा हिंदुस्तानी भी हम पर नजर रखे हुए हैं। आप फिक्र न करें, अल्लाह हमें फतह देगा। कल हमारे लिए पेशावर के रास्ते फरिश्ते उतरेंगे। अल्लाह अकबर। इस कॉल के बारे में जानकारी और किसको है? देवराज। How is ISI reacting to this call? Sir, we believe we have the first information. हमें ये information पाकिस्तान के साथ share करनी चाहिए. It is a serious matter. हमारी authority के बाहर है. Delhi will have to take a call on this. Jeet, send this to Delhi. Yes, sir. I want both of you to keep a very, very watchful eye. अगर उन पे ये attack हुआ तो हर बार की तरह पाकिस्तान इंडिया को ही ब्लेम करेगा। कीप योर डिफेंसेस अप सर। एक तरफ टेररिस्ट ग्रुप टीटीपी के खौफनाक मंसूबों की चिंगारी हिंदुस्तान तक पहुंची, वहीं दूसरी तरफ आईएसआई एजेंट अकरम खान को भी इसकी भनक लग चुकी थी। अंदाजा है ना, तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे, तो बताओ टीटीपी को फंड कौन कर रहा है? अमरीकी, हिंदुस्तानी? हिंदुस्तानी? तुम पाकिस्तानी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कब लेना सीखोगे? हाँ इंडियन इंडियन। व्हाइट पैंथर। क्या क्या बताया? क्या व्हाइट पैंथर? पाकिस्तान खतरे में है, और ये खतरा कब और कहां से आएगा इस बात की जानकारी अभी तक किसी के हाथ नहीं लग पाई है। रॉ की इंफॉर्मेशन पर क्या एतमाद किया जाना चाहिए? क्रेडिबल सोर्स है सर, ट्रस्ट नहीं किया तो हम रिस्क पे हैं। आईएसआई दुनिया के बेहतरीन इंटेलिजेंस है, और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। हो सकता है हमारा अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश हो। अटेंशन किस से डाइवर्ट करने की कोशिश सर? अगर ये अटैक हो गया तो ये हमारा 9/11 हो सकता है। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आई फियर हमारा 9/11 टीटीपी से होगा। टीटीपी इज डेड, दे कांट डू एनीथिंग। नॉट डेड सर, जस्ट वाउंडेड। मुझे सिर्फ इतना पता है कि द टीटीपी हैज द एबिलिटी टू स्ट्राइक एनी टाइम एनी प्लेस। टीटीपी इज सपोर्टेड बाय इंडियंस, राइट? जस्ट अ थ्योरी सर। थ्योरी? तुम्हारे अल्फाजों से इस मुल्क के लिए फिक्र कम और हिंदुस्तान से हमदर्दी ज्यादा नजर आ रही है।
मुझे लगता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है। गो होम एंड गेट रेस्ट सर। डिसमिस्ड। मुल्क में अमन और शांति बहाल करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने टीटीपी को पूरी तरह मिटा दिया था, पर शायद ऐसा सोचना ही पाकिस्तान आर्मी पर भारी पड़ गया। इन्ना लिल्लाही वा इन्ना इलैही राजिऊन। हम तो अल्लाह के हैं और हम उसी के पास लौट कर जाने वाले हैं, पर उससे पहले पाकिस्तान आर्मी के जुल्मों का बदला जरूर लेंगे। उन्हें लगा कि चंद गोली और बारूद से टीटीपी का नामो निशान मिट जाएगा, पर अल्लाह के रास्तों पर चलने वालों का ख्याल अल्लाह खुद रखता है। हमारे भाइयों के इंतकाम की आग आज भी सीने में जल रही है और इस आग से हम सब कुछ जला देंगे। ये पाकिस्तान को अबू शामिल का वादा है। उलाइक लहुम अज़ाबुन अलीम। और तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? सबीलुना अल जिहाद, तरीकुना अल जिहाद। इस नापाक आर्मी को अब पता चलेगा ज़र्बे अज़ब का सही मतलब। अब पाक आर्मी के लोग ऐसे मरेंगे जैसे हमारे लोग मरते आ रहे हैं। उनके बच्चे भी। बच्चे? पर बच्चों का जिहाद से क्या लेना देना? ये जिहाद है जनाब। कोई मासूम मरा भी तो शहीद होगा। वल्लाहु आलम। आमाल का दारोमदार नियत पर है। नियत सही रखो, अल्लाह कबूल करेगा। बिहारी कॉलोनी से होते हुए आर्मी पब्लिक स्कूल, हमारी जन्नत का रास्ता। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। ओ स्कूल टीचर, चश्मा तो लगा ही है, देख लीजिए। यही हाल रहा तुम्हारा तो दूरबीन वाली दुल्हन कहलाएंगी। अम्मी घूम फिर कर आपको हमारी शादी पर ही आना है। शादी तो करनी पड़ेगी बेटा। पर अभी तक जुनेद साहब ने कुछ नहीं बोला हमें। मुझे तो आजकल का प्यार ही समझ में नहीं आता। जुनेद तुमसे प्यार करते हैं कि नहीं, मुझे तो ये भी नहीं मालूम। अम्मी बात कहाँ से कहाँ जा रही है? बात वही है बेटा, अगर जुनेद ने कभी कुछ बोला नहीं तो। तू हमारी किताबें है ना? या अल्लाह। सुनिए, काम किया जा सकता है जुनेद साहब से अगर आप ही बात करें तो। लेकिन ये काम तो लड़के वालों का होता है ना, हम कैसे बात। शकील के बात तो आप ही हमारी लड़की और लड़का है। नहीं बेगम, शहीद कभी मरते नहीं है और जिंदा के लिए कभी रोया नहीं जाता। अच्छा ठीक है, हम ही खुद जाके जुनेद साहब से बात कर लेंगे कल। पर मेरी एक शर्त है, अगर जुनेद साहब हाँ करते हैं तो उनकी डोली मेरे ही आएगी। कॉफी फॉर यू माय लव। नाइस। लव यू रियाना, लव यू रियाना, लव यू रियाना।
आकिफ। पापा हमने रात भर आपका इंतजार किया। आई नो सॉरी बच्चा, कुछ काम पड़ गया था तो रात ऑफिस में ही गुजरी। माफ कीजिए, अगली बार ऐसे नहीं होगा, ठीक है? आकिफ स्कूल के लिए लेट हो रहा है, अंदर चलो। पापा आप नौकरी छोड़ दें फिर आप यहीं रहे तो अम्मी आपसे नाराज नहीं होंगी। आकिफ अंदर चले। चलिए। बेटी रुखसार, आप ही हमारे जीने का मकसद थी, पर पाकिस्तान आर्मी ने वो भी हमसे छीन लिया। एक ही रात में हमें एक दूसरे से अलग कर दिया और जिंदगी भर का दर्द हमारे हिस्से में लिख दिया। और यह दर्द तब ही खत्म होगा जब तक हम उनकी सरजमीन को खून से लाल न कर दें, जब तक हम उनके बच्चों की चीखें अपने कानों से ना सुन लें, तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। आपकी जुदाई का बदला हम लेकर रहेंगे। जो जख्म पाकिस्तान आर्मी ने हमें दिए हैं उससे कई ज्यादा गहरे जख्म हम उन्हें देंगे। उनको नहीं पता हमारे साथ ही इस मिशन को अंजाम देने के लिए पहले से ही मौजूद हैं और उनकी रुखसती की तैयारी कर रहे हैं। खाना ले आया। चल। याद रहे स्वात, वजरिस्तान, याद रहे हमारे बच्चे और याद रहे इस नापाक फौज के सारे जुल्म। वाला अब आप बड़ी हो गई हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप चले। बेटा अगर आप ऐसे बिहेव करेंगे तो प्रिंसिपल साहिबा क्या सोचेंगे कि खवाला को पढ़ने का मन नहीं है? ऐसे सोचने दे सकते? जल्दी चलो, अबू सलीम भाई से पहले पहुंचे। आज हमारे लिए मौका है अल्लाह को खुश करने का। आज हमारे लिए जन्नत के दरवाजे जरूर खुलेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लाइब्रेरी से हम आपसे कुछ देख के जुनैद साहब,
जरा ठीक से चलें। माफ करें, वो थोड़ा जल्दी में है। वैसे आप क्लास के बाद कहाँ जा रहे हैं? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहाँ रहेंगे आप? मैं क्लास में ही हूँ। वैसे कौन सी बात? कुछ जरूरी बात है, फुर्सत से बताएंगे। मैं ऑडिटोरियम जा रही हूँ, उसके बाद मिलते हैं। जी जरूर, मिलता हूँ आपसे। सलाम। वालेकुम सलाम। याद रहे, आज अल्लाह का भेजा हुआ हिसाब है। हम आज कयामत बरसेगी और दुश्मन का जहन्नुम इंतजार कर रही है। याद रहे, आज फरिश्ते हमारी दीदार को तरस रहे हैं। आज हम बोलेंगे और दुनिया सुनेगी। आज का दिन जुदाई का नहीं, मुलाकात का है। याद रहे, आज खुदा से मुलाकात होगी। वापसी मुमकिन नहीं। लेकिन फिर उन्होंने खूब पढ़ाई की और अब देखिए इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल हैं वो। तो अम्मी, आप हमें पढ़ने से क्यों रोक रही हैं? खुदा का खौफ करे ख्वाला, हमने कब रोका आपको पढ़ने से? उसके नीचे जो कागज पड़ा है वही तो पढ़ना है हमें। आजकल के बच्चों से तो हम जीत नहीं सकते। बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। लीजिए, हमें भी पढ़ के सुनाइए। नाम ख्वाला हुसैन अफरीदी। फातिमा जी, आपकी बच्ची बहुत तेज है। जी, आपने इसका एडमिशन करवा के बहुत बड़ा एहसान किया है हम पे। आपके फॉर्म में आपके शौहर के दस्तखत नहीं है? आप एक यतीम बच्ची की मदद कर रही हैं। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? उसके लिए तो खूब पढ़ना पड़ेगा। हाँ, फिर हमारी फोटो भी स्कूल में लगेगी। चलिए, हम आपको आपका स्कूल दिखा दें, फिर आपको आपके क्लास में छोड़ा दें। अम्मी, हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हम चले जाएंगे। ख्वाला, संभाल के जाइए। तहे साहब, तुम सब स्कूल के बाहर अपनी अपनी जगह तैनात रहोगे। Thank you.
These are your classmates. Come, girls. Hi. Meet your new classmate. Say hello. Hello. Hi. Good morning, kids. Good morning, ma'am. Please sit down. Thank you, ma'am. Okay, तो आज हम लोग फर्स्ट एड किट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो मैं आप लोगों को आज सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो सबकी लाइफ में काम आती है, विच इज कॉल्ड फर्स्ट एड किट. जख्मी हो जाने के बाद जो सबसे पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि और नुकसान ना हो पाए, उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड. गुड. सी, बैंडेड. जैसे आप लोगों को चोट लगती है, आप लोग साइकिल चलाते हैं, बदमाशी करते हैं, तो आप लोग क्या लगाते हैं? मम्मा आप लोगों को क्या लगाती है? बैंडेज. अरे पाकिस्तान के किसी स्कूल पर अटैक हुआ है. इडियट पाकिस्तानीज़.
आई वॉन्ट एवरी कॉल टैप्ड। ये अपने आकाओं को फोन जरूर करेंगे। आकिफ, मुझे सही सलामत घर पे चाहिए। नाजिया, आप फिक्र न करें, आकिफ को कुछ नहीं होगा, आकिफ वापस आएगा, आएगा। सारी लाशें यहां ले आओ। इंशाअल्लाह। आप बताएं, हिंदुस्तान के क्या हाल है? वहां कमीशन कैसा रहा? इस बार तो वो मुखबिर व्हाइट पैंथर भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। मियां, हमें खबर मिली है कि वो हिंदुस्तानी जासूस व्हाइट पैंथर पाकिस्तानी आर्मी में ही है, और ये भी हो सकता है कि वो इस वक्त हमारी सारी बातें भी सुन रहा हो। ये हमारे मिशन को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हम सबको होशियार रहना होगा। अच्छा, तो सुन ले, आज स्कूल से एक भी बच्चा जिंदा बच के नहीं निकलेगा। पाकिस्तान की तबाही तो शुरू हो गई है, और तू व्हाइट पैंथर अपने हिंदुस्तान की फिक्र कर, जल्दी ऐसा मंजर वहां भी होगा। मौलाना के खिलाफ जाके तुम्हें शामिल किया है, इसलिए वो करो जिसलिए तुम यहां हो। अंदर जितने भी मरे सबको फिर से गोली मार दो। पर वो सब तो मर चुके हैं भाई। गोलियों के पैसे तुम्हारे अबू ने दिए हैं? हाँ, नहीं ना, तो जो बोला जाके कर। Get the SSG inside. I said get the SSG inside. Yes, sir. Intel from Afghanistan. Play it. हिंदुस्तानी जासूस व्हाइट पैंथर हमारे मिशन की सारी जानकारी हिंदुस्तान तक पहुंचा रहा है। ये हमारे मिशन के लिए खतरा बन सकता है। आगे की सारी जानकारी आपको कोर्स में दी जाएगी। जीत का मेहन, ये व्हाइट पैंथर क्या है? कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, नॉट इवन इन द टेररिस्ट लिस्ट। इज इट अ मिशन? सर, आप अभी इंटेलिजेंस में नए हैं, यू आर फ्रॉम द फील्ड। इंटेलिजेंस समझने में अभी आपको थोड़ा वक्त लगेगा।
मेरी बच्ची बाहर अकेले, मुझे जाने दे। नहीं, आप अपने साथ साथ हम सबकी जान भी खतरे में डाल रही हैं। ने भेजा। पे अफगानिस्तान की हैदी ला हैदी, तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ था? हम लोगों ने साथ में खाना खाया और मैं रात को ईशा की नमाज पढ़ने चला गया। बस उतने में वो लोग आसमान से मौत लेकर आए। एक ड्रोन, बस लोगों की लाशें दफन होती है। मैंने अपने बेटे के टुकड़े दफन किए हैं। ये आसपास ये सब जो लाशें दिखाई दे रही हैं, ये सब बच्चे मासूम हैं। तुम्हारे बेटे के जैसे इनका कोई कसूर नहीं है, इसलिए ये सब जन्नती हैं। तो फिर ये सब क्यों? ये उनके लिए है जो जो जिंदा है। उनको भी अपने बच्चों से बिछड़ने का एहसास होना चाहिए। और ऊपर जन्नत में आज तुम्हारा बेटा कह रहा होगा, बहुत खुश हो रहा होगा, कह रहा होगा कि अबू ने मेरे लिए इतने सारे दोस्त भेजे। याद रहे, जितने दोस्त उतनी ही खुशी। सबको मैसेज कर दो, मुझे ऑडिटोरियम में सारे जिंदा बच्चे चाहिए। अब इस जगह को और सजाना है। बोल दो। जितने भी बच्चे जिंदा हैं, उन्हें ऑडिटोरियम में शामिल भाई के पास लाया जाए। जी, कोई नहीं बच पाएगा। विल मेक श्योर। जी सर। जी So we have information that Have you forgotten manners of sir? Sir, new intel reveals that India will face a similar attack. Are you mad? हमारा मुल्क इतनी बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है और तुम हिंदुस्तान की बातें कर रहे हो? Focus on our country and our people. Officer, वो हमारा time waste कर रहे हैं। 5 minutes delay and our hundreds are dead. But sir, the point I'm trying to make is that enough. Is SAG there yet? They're on the way, sir. ख्याल रहे, आपको सारे बच्चों को वहां से सही सलामत स्कूल से बाहर निकालना है। Dismissed. सर, एक और इंटेल के मुताबिक हमारी इंटेलिजेंस में व्हाइट पैंथर नाम का एक इंडियन एजेंट हो सकता है। Concentrate on APS officer. Forget the rest.
एंड आई हर्ड अबाउट योर सन कि वो भी उसी आर्मी स्कूल में पढ़ता है. आई एम सॉरी अबाउट दैट. मेक देम पे सर. सर वो देवराज व्हाइट पैंथर के बारे में सवाल कर रहा था और उसने सारा डेटाबेस भी चेक किया है. डेटाबेस में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा. सर हम उसे सब बता क्यों नहीं सकते? जीत, ही हैज अ हिस्ट्री. इंटेलिजेंस उसे क्लियर कर चुकी है, बट आई कैन नॉट टेक अ रिस्क. इज रिहाना स्टिल इन पिक्चर? शी ऑलवेज विल बी. देव को कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले वन विल ऑलवेज रिमेंबर रिहाना. मैं व्हाइट पैंथर को खतरे में नहीं डाल सकता. यस सर. आप ये नहीं देख सकते, ये सिर्फ कामरा सर के लिए है. ओपन इट, आई एम इन चार्ज हियर. सॉरी सर. ओपन इट. दूसरा हमला हिंदुस्तान में करना है. कोर्ट हमले तो डर देख. क्या हुआ बेटा, डर लग रहा है? चल खड़े हो जाओ. क्यों डरना है बेटा, अब हम आ गए ना. हमारे मुल्क की पुलिस पसंद है तुम्हें? हमारा कौमी तराना आता है, चलो गाते हैं. पाक से जमीन शादबाद, ईश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अजमे आली शान, अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े. बैठो बैठो बैठो, डरना नहीं है बेटा. जुनेद क्या हो गया?
सब 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 ठीक हो जाएगा जुनेद। जुनेद हम मदद लेकर आते हैं। हमें लगा ही था कि मौत उतनी भी बुरी नहीं हो सकती, तभी तो आपका चेहरा दिखा। याला। किसको मौका मिलता है अपनी मोहब्बत की आगोश में शहीद होने का, अपनी मोहब्बत का इजहार किया भी तो ऐसे। आप भी तो कर सकती थी ना। जुनेद, जुनेद हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जुनेद, 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 हमले तो कर देख। ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए थी सर।